अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक के सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। सबसे पहले शुक्रिया यामिन सर का, न्यूज अंडमान 24/7। तो आप बेसिकली इसमें फोन कीजिए कोई भी टाइम, ये सेम टाइम भैया आते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। इसमें एक बार हमने कॉल किया सर, इमीडिएट आके पहुंच गए। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान था नियामत सर, अंशुमन भैया, राकेश्वर लाल, अली सर। दो तीन दिन के अंदर इतना ज़्यादा हेल्प मिला है और शुरुआत यहाँ आपने किया, ये मीडिया आया इसका वजह से ये पूरा अंडमान को पता चला कि ऐसा कुछ केस हुआ है। मिसाल भी बन रहा है कि हम एक परिवार जैसे ही आइलैंड में रहते हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूँ, मैं इंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से। अपना नाम एक तो डिस्क्लोज नहीं करते और धर धर करके डोनेट कर देते हो कि उनके लिए क्लैप हो जाए। हाँ, ये चीज़ अंडमान 24/7 को भी मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ। आप जो भी मेरे को मदद, उसके लिए तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी दो तीन दिन पहले ही आपने हमारे ही चैनल में एक एपिसोड देखा जहां पे हमने जिरका टांग में हुए लक्ष्मणन जी, उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उस मसले को हमने दिखाया था। रामनन और लक्ष्मणन जी जो जुड़वा भाई हैं, उनमें लक्ष्मणन जी स्कूटी पे सवार थे और वहां पे उनका एक सड़क दुर्घटना में उनका जो हाथ है वो STS इलेक्ट्रिक बस के टायर के नीचे आ जाने की वजह से पूरी तरह उनका जो हाथ का जो गोश है वो निकल जाता है और वे बहुत ही गंभीर स्थिति में यहाँ GB पंत अस्पताल में एडमिट होते हैं। एक बार हम फिर आपको बता रहे हैं कि इस मसले को हम दोबारा बेशक दिखा रहे हैं, मगर हम GB पंत अस्पताल के अंदर नहीं गए क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इस आदेश का मान रखते हुए हम जो है ये रिकॉर्डिंग आपको हम बाहर मेन रोड से ही करके दिखा रहे हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि आज लक्ष्मणन जी की जो माता जी है वो यहाँ पर आई है और उन्हें खुशी हुई है इस बात की कि उन्होंने जो अपील की थी हमारे अंडमान निकोबार की जनता से कि उनकी मदद करें ताकि वे अपने बच्चे को मुख्य भूमि लेके जाएं और उनका इलाज कर सके, तो वो जो खुशी है वो हम चाहेंगे कि वे अपने ही जुबान से कहें आप लोगों के लिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं भी लक्ष्मण को मम्मी बात कर रही हूँ। मैं दो तीन दिन पहले बच्चे को जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए आपसे बहुत रिक्वेस्ट करके मेरे को मदद के लिए पूछी थी। आप लोग सब बहुत मदद करें मेरे को। कल हम बच्चे को लेके जा रही हूँ स्टालिन हॉस्पिटल। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए सब दुआ करें सब ठीक से आने के लिए। और आप लोग जो भी मेरे को मदद करें उसके लिए तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऊपर वाला से हम दुआ करती हूँ, जो भी मेरे को मदद करे उसके लिए मरने तक सबके लिए मैं दुआ मांगूंगी ऊपर वाला से, ऊपर वाला सबको अच्छे से रखना करके। जब आपने वो दान दिया होगा, शायद जीपे हो या अकाउंट नंबर तो चलिए मैम का ही था, उनकी माता जी का ही था, मगर जीपे में आप लोगों को शालिनी नाम दिखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि शालिनी जी जो है वो इनकी मौसी है, इस नाम पे गया था। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मात्र दो तीन दिन के अंदर में इनके पास अब तक का जो कलेक्शन है 209,000 है, जिससे वे खुश भी हैं। बेशक अभी तक
वो जो जितना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन जितना भी है उसके लिए वे काफ़ी एहसानमंद है। और शालिनी जी कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए मैम। नमस्ते, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें इतना होप नहीं था कि इतना हमें हेल्प मिलेगा, फिर भी ये 2-3 दिन के अंदर इतना ज़्यादा हेल्प मिला है, उसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ सबको। और शुरुआत यहाँ आपने किया, ये मीडिया आया, इसका वजह से ये पूरा अंडमान को पता चला कि ऐसा कुछ केस हुआ है, कोई ज़रूरतमंद लोग हैं, और सर लोग आए हमारे लिए हेल्प करने के लिए, एटलीस्ट वो खड़े हैं। जब भी फ़ोन करी, कल मैंने, मुझे आयुष्मान योजना में प्रॉब्लम हो रहा था, मैं सर को कॉल करी, तुरंत वो लोग आए यहाँ पे हमसे मिल के बात करे, हमें बोला कि ठीक है कुछ नहीं, आप लोग लेकर जाइए, हम लोग खड़े हैं, आगे कुछ भी हेल्प होएगा हम लोग करेंगे। अभी तक मेरा अकाउंट में 2,09,000 आया, मैं उनके सिस्टर हूँ। मुझे इतना खुशी हुआ कि अंडमान के लोग इतना हेल्पफुल है, इतना कर रहे हैं हमारे लिए और आगे भी कर रहे हैं, और साथ भर दुआ भी कर रहे हैं कि आपके भाई ठीक होकर आ जाएंगे, एटलीस्ट उनका दुआ काम करेगा हमारे लिए। हम इतना खुश है कि इतना लोग है हेल्प करने के लिए, और मैं चाहती हूँ और भी लोग हेल्प करें, और भी इस मेडिकल में बहुत लोग हैं, उनको भी हेल्प मिले, बस यही मेरा उनसे उम्मीद है और विश है। थैंक यू सो मच। बानो जी भी कुछ कहना चाहती है, उनकी फैमिली फ्रेंड है और शुरुआत से ही इनके साथ है, और इस रिक्वेस्ट में जो इन्होंने इनकी फैमिली ने लगाई थी, तो सबसे पहले बानो जी ने ही हमारे चैनल को इसके बारे में जानकारी दी थी। चलिए उनसे हम जानते हैं वो क्या कहना चाहती हैं, बोलिए मैम। सबसे पहले शुक्रिया यामिन सर का, न्यूज़ 24x7 इसमें एक बार हमने कॉल किया सर, इमीडिएट आके पहुंच गए, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान था नियामत सर, अंशुमन भैया, राकेश्वर लाल, अली सर, क्योंकि हम लोग जितने बार भी बोले एट द टाइम, एक बार भी हम नहीं आ सकते, हम बिजी है करके कोई नहीं बोले। और सबसे यही बोल रहे हैं अंडमान का हर एक जन, मेरे पास भी जो कुछ भेजा है टोटल 2,09,000 तक हमारे पास आ गया, इनमें से हम सिर्फ टिकट 2 जन का करे है। अगर खुदा ना करे सब कुछ अच्छा सा हो जाए, लेकिन जितना भी हो हमें इसमें से अगर कोई भी ज़रा से भी पैसा, एटलीस्ट 10,000 हो, 5,000 हो, 3,000 हो, सबके सामने बोल रहे जिसने भी इसमें 1 रुपया 30 रुपया दिए, तो उसमें से जो पैसा हमारे पास रिटर्न होते हैं सिर्फ यही चैनल के थ्रू हम लोग सामने आएंगे, वो पैसा हम लोग अंशुमन भैया है, नियामत सर है, या फिर राकेश लाल सर है, ये न्यूज़ के जरिए वो पेमेंट हम उनके हाथ में देंगे, और यहीं पर खड़ा होकर जो भी नीडी पर्सन है वो पैसा हम उनको देंगे। आप हमारे साथ खड़ा था कार्तिक, जो कि हर टाइम उसका गाड़ी का तेल हो गया, कुछ हो गया, एक टाइम भी उसके लिए, और रहा लक्ष्मण का, जो भी फ्रेंड्स है हर एक फ्रेंड्स उसके साथ खड़े थे। ये खान भाई है जिसको हम कॉल करी थी हेल्प के लिए, खान भाई ने ही मुझे ये चैनल का एड्रेस का दिया है, तो सबसे पहले खान भाई आपका भी थैंक यू, जो कि हमको इसके बारे में आइडिया नहीं था, खान भाई के थ्रू हम आए हैं, जो कि सब कुछ हमको हेल्प यहाँ से मिले। और हर एक से निवेदन है कि जो भी हो, जिसके पास 1 रुपये भी होता है, वो नीडी पर्सन के लिए ज़रूरत करे। और दूसरा, हमें नहीं पता था यहाँ पर हैवलॉक की एक लेडी है, जिसने शायद उनको ये चैनल के बारे में पता ही नहीं है। सिर्फ यही चाहती हूँ, जैसे हम लोगों के लिए हर लोगों ने 50 रुपया 30 रुपया जो भी आप लोग डोनेट किए हैं, वो पैसा उस लेडी के लिए भी हेल्प कीजिए। वो इसी वार्ड में है जिसमें लक्ष्मण एडमिट है, जस्ट उसके बगल वाला वार्ड में, आप लोग आके देख सकते हैं कि वो बहुत नीडी पर्सन है, उनके पास खाने का रास्ता नहीं है। देखिए, हमारा कोई ब्लड रिलेशन किसी के साथ नहीं है, ना मेरा है ना इसका किसी का है, तो यही चाहते हैं मेरे जैसा हर एक लोग आए और उनके लिए कीजिए। सबके लिए थैंक्स है, खासकर नियामत भैया, अंशुमन भैया, फिर राकेश सर, अली सर, बोलते साथ इमीडिएट आते हैं। और सबसे पहले न्यूज़ चैनल का, जो बगैर टाइम दे के, हम लोग बोलते हैं चैनल कुछ नहीं कर रहा है, चैनल कुछ नहीं बोल रहा है, तो बहुत जन को चैनल के बारे में पता नहीं है। हमारे हिसाब से कान से सुना वाला ट्रस्ट विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, सिर्फ इतना विश्वास कीजिए न्यूज़ अंडमान 24x7, तो आप बेसिकली इसमें फ़ोन कीजिए कोई भी टाइम, ये सेम टाइम भैया आते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। और वो हैवलॉक लेडी के लिए भी जितना हो सकता है प्लीज़ आप लोग भी कीजिए, विश्वास नहीं है आके आप लोग चेक कर लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे वजह से कुछ नहीं होता है, हम मात्र एक जरिया है। अगर हमारे वजह से अगर होता तो हम बहुत कुछ अंडमान में बदल देते। हमारे वजह से अगर होता तो आज ये अस्पताल ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आधुनिक तकनीक के हर इक्विपमेंट्स होते, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते। बस हमारे ज़रिए से जितना हुआ हमने कोशिश की, और मैं तो धन्यवाद करूँगा खासकर अंशुमन जी का, राकेश्वर लाल जी का, हिंदू राजशक्ति युवा मंच के अध्यक्ष और हिंदू राजशक्ति के अध्यक्ष, वार्ड नंबर 6 के काउंसलर श्री अजीज़ुर रहमान जी, उनके सहयोगी अली जी, इन सब, और कार्तिक भाई का। जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया में अंशुमन जी को लेकर बहुत सारी बातें हुई, राकेश्वर लाल जी को लेकर बातें हुई कि वे हिंदू धर्म के नाम पर वे किस तरीके से मंदिरों को लूट रहे हैं, मंदिरों का पैसा लूट रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बात होता है कि अजीज़ुर रहमान जी जो है वो प्लानिंग करके किसी, कोई एक शख्स है जिसको पिटवाते हैं, जिनका ना कोई वजूद है ना कोई अस्तित्व है, जिनकी बातों में ना कोई दम है,
ना कोई बिना सबूत के बेबाक जो मन में आए बोल देना। अगर उनकी कही हुई एक बात को भी अगर साबित करते हैं वे, तो हम खुद अपने चैनल में उसे दिखाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम साबित नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लोग हैं वे बता रहे हैं कि अजीज़ुर्रहमान जी क्या कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं। कल का अगर आपने हमारा एपिसोड देखा होगा तो हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से अंडमान निकोबार में एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, जबकि अस्थि विसर्जन की कोई जगह नहीं थी अंडमान निकोबार में, जो यहाँ पे कॉर्बिन्स कोव में अभी इनके लगातार मांग की वजह से ये पूरा किया गया है। जहाँ पर बात उठी थी कि धर्म को लेकर ये लोग किस तरीके से पैसा लूट रहे हैं, तो मैं उसे पूरी तरीके से नकारता हूँ, क्योंकि उसका कोई सबूत भी नहीं है। जिस शख्स ने भी ये बात को बोला था, अगर वो ला के बताए कि हिंदू राष्ट्र शक्ति ने राम मंदिर कैंबल बे में लूट मार की है, वहाँ का पैसा खाया है, जिस बेबाक तरीके से बेइज्जत करते हुए बोला गया था, उसे वे साबित करें, वही रिक्वेस्ट अंशुमन जी ने भी कही थी। तो वहीं दूसरी ओर इन्होंने न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया में आकर इन्होंने दिखाया कि हमारे ही हिंदू धर्म की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उसको पूरा किया गया। कल पहला अस्थि विसर्जन के लिए एक जगह अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें दिया गया। अब कई लोगों को मुख्य भूमि अस्थि विसर्जन करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। क्या ये अहम नहीं है? क्या ये हमारे समाज के लिए ज़रूरी नहीं है? क्या हमारे लिए ये ज़रूरी है कि कोई सोशल मीडिया में आके कुछ भी बोल दे, किसी के बारे में भी बोल दे, उसको डिफेम करे, उनकी बेइज्जती करे बिना सबूत के? तो कृपया, मैं अक्सर कहता हूँ आप लोगों के कि सोशल मीडिया में आने वाली हर बात पे आँख बंद कर आँख मूंद कर भरोसा ना करें। थोड़ा सा आप छानबीन कर लीजिए। जब आप इतना इंटरेस्ट रखते हो सोशल मीडिया में न्यूज़ वगैरह देखने का, तो उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए थोड़ी सी छानबीन करिए। उस थोड़ी सी छानबीन में आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। तब आप जो गलत कहता है उसके खिलाफ़ में एक अच्छे नागरिक का परिचय देते हुए आप ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ में आगे बढ़कर आइए और शिकायत करिए, और ऐसे लोगों को सोशल मीडिया में बोलने से रोकिए। यह हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है। मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि ये हमारे वजह से नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि जब हमने चैनल खोला है तो हमारा मकसद ही ये है कि जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाए, प्रशासन की बातों को हम जनता तक पहुंचाए। तो इसमें हमारा सहयोग से ज़्यादा सहयोग यहाँ पर महान हस्तियाँ जो हैं, मैं इनको महान ही कहूँगा, क्योंकि इन कामों में जो भी दान देता है, जो भी अपना सहयोग देता है, उसे हम महान ही कह सकते हैं। आप भी इससे सहमत होंगे। और ये तभी मुमकिन हुआ जब हमारे तमाम जो लोग हैं जिन्होंने आग्रह किया सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन कॉल के ज़रिए से, अपने दोस्तों परिवारजनों से, और अंडमान की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बढ़ चढ़कर इनकी मदद की। और मात्र 2-3 दिन के भीतर इन्हें 2,09,000 के करीब डोनेशन मिला, जिससे अब वे इस लायक हैं कि वे मुख्य भूमि जा सके और अपने इलाज की शुरुआत कर सके। हम उम्मीद तो यही करेंगे कि कृपया करके आप इनको जो डोनेशन है ये कंटिन्यू करिए, ताकि इनको आगे वहाँ के बाद भी दिक्कत ना आए। इसी सिलसिले में चलिए हम हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी से जानना चाहेंगे कि अगर वे कुछ कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। और बहुत संतुष्टि मिल रहा है कि हमने जो मिलकर जो हमने अपील की थी वो फुलफिल हो रहा है, और हमारे वाकई में जो दीववासी इन इन इनको हेल्प कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है, और एक मिसाल भी बन रहा है कि हम एक परिवार जैसे ही आइलैंड में रहते हैं, हमारे बहुत जो सुविधाएं हैं वो लिमिटेड है इस आइलैंड में, और ये हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि सब मगर मिलकर चलें, एक दूसरे का साथ देने का कोशिश करें, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये लक्ष्मणन भाई का जो हादसे में जो हाथ का प्रॉब्लम हुआ था, ये बहुत ही सीरियस मैटर था, और ये एक लाइफ का बात था, एक परिवार का स्ट्रेंथ का बात था। तो आज जो है एक संतुष्टि ये है कि कल वो जाएगा, बस अब ये दुआ करना है कि उनका हाथ जो है सही सलामत ठीक होके यहाँ पर आए, और वापस वो जो डेली लाइफ जो एक्सीडेंट से पहले बिता रहा था, जो काम वो कर रहे थे, वो दोबारा ज्वाइन करे, दोबारा करे, और परिवार को स्ट्रेंथ करे और आगे बढ़े। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लक्ष्मणन जी जो है वो ब्रेड अर्नर थे घर के जी, क्योंकि उनकी माता जी काम नहीं करती, और एक जो भाई है वो बहुत छोटा है। लक्ष्मणन जी और रामानंद जी जो है वो घर चलाते थे जी, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। तो ये तो मतलब
बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो गया है एक परिवार के लिए, क्योंकि देखिए एक्सीडेंट एक एक जन का होता है लेकिन असर पूरे परिवार में होता है। तो ये तो सही में हैट्स ऑफ टू ऑल डोनर्स, दोज हु हैव डोनेटेड फ्रॉम देयर विल, और मैं आशा करूँगा कि ये जो डोनेशन है ये सही मायने में काम आएगा। और जैसे कि बानू मैडम ने कहा है कि ये एक लेसन लेना चाहिए हर एक वो शख्स को जो डोनेशन ले रहा है, कि जितना ज़रूरत है उतने में काम अगर हो पा रहा है, उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बच रहा है ईमानदारी से वापस कर दें, क्योंकि इसमें हो सकता है कि किसी और ज़िंदगी को हम बचा सके। तो ये बहुत ही बढ़िया सोच जो बानू मैडम ने हम सबके सामने रखा है, और इस चीज़ को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी नीडी पर्सन है हम आशा करेंगे कि इसी के तहत कोई भी पेशेंट या कोई भी इंसान को मजबूरी में यहाँ पर रहने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम सब इकट्ठा मिलकर उनको हेल्प करेंगे, और जो रूल्स बताए हैं अगर पैसा बच रहा है डोनेशन का वो हम दोबारा किसी के लिए हेल्प कर सकें, ऐसा हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे। राकेश्वर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल अंशुमन जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जिन जिन ग्रुप्स में आप हो आई गेस कि 80% उन ग्रुप्स में मैं भी हूँ। मैंने खुद देखा है कि आपने जो ये मैसेज कितने ग्रुप्स में फॉरवर्ड किया है, अजीज़ुर रहमान जी ने किया है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। यमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक इंसानियत नाम का भी एक धर्म होती है, पर्सनल लाइफ में हम कैसी भी हो पर जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो हमें उनका मदद करना ज़रूरी मैं समझता हूँ। करके इस सिलसिले में जब ये मैसेज आया तो मैंने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मैं हूँ मैं उसमें फॉरवर्ड की। दूसरी चीज़ जैसा अंशुमन जी ने अपना लास्ट वर्डिंग में कहा, आपका अपील बहुत अच्छा था सर, मैंने पढ़ा था, धन्यवाद। जैसा अंशुमन जी ने कहा कि अगर पैसा बच जाती है तो वो नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे के लिए काम आए, इसके लिए मैं उनका आभार करता हूँ कि ये सोच बहुत अच्छी है। और जो लक्ष्मण जी के परिवारजन भी है ये बात से सहमत हुए, क्योंकि वो आज देख रहे कि वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो नेचुरली बात है कोई आदमी नेक्स्ट टाइम दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तीसरी चीज़ जो पहले दिन से मैं ये अपील देख रहा हूँ, जैसा नियामत जी है आपका अटल फाउंडेशन की तरफ से सबसे पहले वो आए अपील करे, अली भाई है, फिर अंशुमन रॉय जी था, फिर समीर इकबाल जी वो आए सामने, और एक अनामिका नाम का कोई एक मैडम है वो भी आई सामने। देखिए ये बहुत अच्छा लगता है कि जब अपने लोग ना जागरूक होते हैं और अपने ही लोगों के लिए अपील करते हैं कि भाई कि आइए सामने और मदद कीजिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आदमी ऐसे अपना पर्सनल लाइफ में भी कुछ भी जो है 19-20 करते रहता है, पर जब मदद की ज़रूरत होती है ना और सब जब एकजुट होकर जब एकत्रित होकर अपील करते हैं ये बहुत अहम होती है। और मैंने एक देखा है जैसे बीनू मैडम जी है और परिवारजन भी है, तो ये मुझे बहुत खुशी लगी कि लक्ष्मण जी की माता जी और शायद उनकी बहन कोई थी मुझे नहीं मालूम, एनके उदय कुमार जी, मैंने आप एनके उदय कुमार जी और कविता उदय कुमार जी के भी पास गए थे, क्योंकि ये मैडम लोग शायद आप लोग उनके वार्ड में रहते हो, और उन्होंने अपना काफ़ी समय वहाँ दिया और अपना गाड़ी भी आप लोगों की दी, आप लोगों को दे कि जितना हो सके आप लोग ये चीज़ जितना समय में कर सकते हो करिए। तो ना ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये सुनने को मिलता है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी सामने आ रहा है, और जैसे कि लक्ष्मण जी अब माइंड मत करिए कि जैसे लक्ष्मण जी उस वार्ड से बिलोंग नहीं करते हैं पर उनकी बहन करती है और उनकी बहन उनके पास गई और वो सामने खुल के आए, तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा चीज़ लगता है कि जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है और उसे जैसा भी बन पा रहा है दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड डूइंग नीडफुल। मैं जितने भी लोग हैं न्यूज़ देखने के बाद डोनेट करते हैं चाहे वो पोर्ट ब्लेयर से हो चाहे आउट ऑफ पोर्ट ब्लेयर के हो, मैं उनको सल्यूट करता हूँ मैं इंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से कि देखिए आप अपना नाम एक तो डिस्क्लोज नहीं करते हो और धड़धड़ करके डोनेट कर देते हो कि उनके लिए आप, क्लैप हो जाए। हाँ ये चीज़ क्लैप होना बहुत आप अगर हमारे चैनल में देखोगे तो इस एपिसोड में
कमेंट में एक बंदे ने लिखा है कि मैं पुणे से हूँ और मैं इतना डोनेट कर रहा हूँ, वो कमेंट अभी भी होगा, आप देख सकते हो। तो ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखिए पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड और इवन इंडिया जहाँ तक आपका न्यूज़ चैनल चलती है यूट्यूब के जरिया, कि लोग इतना खुल कर सामने आते हैं ना किसी का भी ज़िंदगी को, जब वो देखते हैं कि भाई हमें बचाना है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनके लिए मैं अपने संगठन की तरफ से और हमारे जितने भी लोग हैं सबके तरफ से मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और मैं आशा करता हूँ जैसे आप लोग बढ़ चढ़ के हमारे लक्ष्मण भाई के लिए डोनेट करें, और जैसा सारा फोटोग्राफ्स आपने बोला भी है अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, देखिए मैं ये फ़ोटो दिखाना नहीं चाहता हूँ पर मैं मजबूरी में दिखा रहा हूँ, उनके जो हाथ की थी तो वो जो चीज़ को देख के जब लोग को समझ में आई कि देखिए अंडमान निकोबार एक बैकवर्ड एरिया है और इसमें प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा नहीं है और इनको मेनलैंड जाना पड़ता है, पोर्ट ब्लेयर टू मेनलैंड के टिकट का फेयर भी बहुत हाई रहती है और प्लस ट्रीटमेंट का अलग चीज़ हो जाती है, तो इस वजह से जो बढ़ चढ़ के जो डोनेट करे इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अजीज़ुर रहमान जी चाहे जो फील्ड हो, अक्सर आप हमारे चैनल और सोशल मीडिया में देखते ही रहते हो कि अंडमान निकोबार में कई सारे नीडफुल लोगों को, फिर चाहे वो कोरोना हो, हर क्षेत्र में अजीज़ुर रहमान जी का बहुत योगदान रहा है। हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरह ही एक काउंसलर होके इन्होंने जिस तरीके से अपना हाथ हर तरफ में फैला रखा है ये काबिले तारीफ है। हम उनसे भी चंद शब्द जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद अमीन भाई। मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ अंडमान न्यूज़ 24/7 को सलाम करता हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे पहला इंटीमेशन दिया था कि एक बच्चे का जो है एक्सीडेंट हुआ है और आप जो है जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, और मैंने आपको बोला भी था कि मैं एक घंटे में आऊँगा, थोड़ा सा बिज़ी हूँ, कहीं और जा रहा हूँ। तो इसने मुझे बहुत प्रेशर किया कि नहीं, बहुत छोटा बच्चा है, 19 साल का है, और 10 मिनट के लिए आ जाओ, 5 मिनट के लिए आ जाओ। तो मैं बोला ठीक है चलो, फिर गाड़ी घुमा के मैं फिर स्कूल लाइन से रिटर्न आया और आकर देखा तो इनकी मदर को, लक्ष्मण की मदर को देखा तो काफ़ी तकलीफ़ में थी, और आपके जितने भी आप सभी को मैंने उस दिन देखा है, बानू जी को देखा है, शालिनी जी को, और एक कार्तिक। और मैं पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबको सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने जो मेहनत किया है, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने जान पहचान के लोगों से अपील किया है, और जो उसके बाद जो है भागदौड़ जो आप लोगों ने किया है, क्योंकि देखिए हम लोग के पास बहुत सारे मैटर्स आते रहते हैं तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाया आपको, बट ये है कि हम लोगों ने सिर्फ अपील किया था और उसके बावजूद जो है आपको 3 दिन में अगर 2,09,000 रुपया मिला है तो ये भी आपका उस ट्रीटमेंट के लिए कम है। अभी भी मैं लोगों को अपील फिर से करता हूँ कि ये लोग के पास जो है, जब आप लोगों ने पहला डोनेशन दिया था तो इनके अकाउंट में सिर्फ 126 रुपया कुछ था, 140, तो इनका फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब है। इस बच्चे का हमारा ज़िम्मेदारी यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, हमें आगे भी इनको जब तक इनका ट्रीटमेंट पूरा ना हो जाए तब तक इनको मदद करना है, क्योंकि अब इतना पैसा देखकर कोई और मदद ना करे तो मैं फिर से दोबारा अपील करता हूँ कि जब तक इनका ट्रीटमेंट है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में कम से कम 4.5-5 लाख रुपया इनका खर्च होगा आप लोगों का। तो मैं और साथ ही मेरे जितने भी सोशल वर्कर हैं, हिंदू राष्ट्रीय शक्ति से राकेश्वर भाई है और अंशुमन जी है, हमारे अली है, और कई लोग उस दिन आए थे जो मीडिया में, समीर इकबाल है और हमारी अनीता जी, तो काफ़ी लोगों ने अपील किया, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और सिर्फ फिर से हमारे पूरे अंडमान निकोबार के और जो भी लोग बाहर से भी डोनेट करें सभी को सलाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो है इंसानियत दिखाया है। आपके न्यूज़ अंडमान न्यूज़ 24/7 को भी मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ज़बरदस्ती बुलाया, मैं सच में बता रहा हूँ कि मेरा इनसे ये था कि मैं किसी और काम से जाऊँ, मैं बोला एक घंटे बाद आ जाऊँगा, बोला नहीं भाई आप बहुत अर्जेंट है, आप लोग आने से इस बच्चे को मदद मिल जाएगा करके, ये इनका वर्ड था। आप सबकी मेहनत से जो है इनको 2,09,000 रुपया मिला। मैं फिर से अपील करता हूँ, हम सब मिल के अपील करते हैं कि इस बच्चे को जो है जब तक इनका ट्रीटमेंट ख़त्म ना हो जाए तो इनको मदद जो है इनका बंद ना करें और इनको मदद करें।
धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू एंड आप सब लोगों को थैंक यू। जिस तरह मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये हमारा फ़र्ज था और हम खुश नसीब है कि हमें ये मौका मिला इस बात को आप तक पहुंचाने का। आप लोगों को जीपे नंबर, उनका बैंक डिटेल्स स्क्रीन में भी हम आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं। आप इनको मदद करिए ताकि इनकी मुख्य भूमि जाने के बाद भी इनकी जो भी ज़रूरतें हैं इसमें कमी ना आए, वे जल्द से जल्द अपना इलाज कराकर स्वस्थ होकर वापस यहाँ लौटे और हो सकता है कि अपने जैसे और ज़रूरतमंद लोगों को वो मदद कर सके। बस इस सोच को हमें बरकरार रखना है और इस और काम करना है। इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।